नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो देख रहे हैं इस उपकरण के नाम है सबसॉइलर। ये जुड़ा हुआ फार्मट्रैक 6055 सुपरमैक्स गाड़ी में सबसे पहले इसका काम है कठोर ना बंजर जमीन में अंदर ये इस्तेमाल कर सकता है। इस उपकरण को ट्रैक्टर में कैसे जोड़ना कैसे उतारना ये सब पहले देखेंगे। इम्प्लीमेंट को लगाने का तरीका यही है। सबसे पहले लेफ्ट लोअर लिंक को लगाएंगे, इसके बाद राइट लोअर लिंक में एडजस्टेबल रॉड दिया मगर इसके आसानी से ऊपर नीचे कर सकता है, इसलिए बाद में राइट लोअर लिंक। तीसरा टॉप लिंक निकालने का टाइम टॉप लिंक, राइट लोअर लिंक, बाद में लेफ्ट लोअर लिंक। किसान भाई अब आइए इसके अंदर क्या क्या है, इस उपकरण के अंदर क्या क्या है वो देखेंगे। ये अब दोनों लोअर लिंक का जुड़ा हुआ ये पूरा साथ है, इसका बोलते हैं मेन फ्रेम है। ये है टाइन असेंबल, ये पूरा टाइन है। इसके नीचे इसको बोलते हैं शवल, शवल में अलग अलग छेद दिया हुआ, इसमें एडजस्ट कर सकता है। अगर नमी है जमीन इसको बार पॉइंट को शवल को बहुत नीचे कर सकता है। हार्ड सॉइल में ज़्यादा करने से क्या होता है, टूटने का चांसेस है, इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं। एक साइड घिसावट हो गया उसके बाद उल्टा करके इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी इसमें कौन सी सेटिंग्स करना है, हमको खेत के अंदर सही तरीक़े से काम करना है तो उपकरण जोड़ने के बाद ये सेटिंग्स तो बहुत ज़रूरी करना पड़ेगा। सबसे पहले टॉप लिंक, ट्रैक्टर के साथ टॉप लिंक में दो पिन दिया हुआ, एक पतला कैटेगरी 1 और एक मोटा कैटेगरी 2। गलती से पतला पिन लगाया यहीं पे, आपको प्रॉपर सेंसिंग काम नहीं करेगा, इसकी वजह से क्या होता है उपकरण गहराई सही तरीके से नहीं ले पाएगा। यही ट्रैक्टर पे यहीं पे तीन छेद दिया हुआ, अलग अलग तीन छेद है। ये सब पिवट पॉइंट से सबसे नज़दीक है, ये कठोर मिट्टी के लिए, ये माध्यम मिट्टी के लिए, ये नरम मिट्टी के लिए। ये टॉप लिंक को सही तरीक़े से सेटिंग नहीं किया तो क्या होगा, ज़मीन में बराबर काम नहीं करेगा, सेंसिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा ढीला हो गया तो क्या हो रहा है, इसका टेन का सक एंगल पूरा अंदर तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या है आपको गहराई नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा टाइट है तो ये सक एंगल बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे ही, इससे क्या होगा आपको गहराई ज़्यादा लेगा ताकि ट्रैक्टर पे लोड बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें इसको बराबर सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ट्रैक्टर स्टार्ट करके चालू करके थोड़ा ऊपर करने के बाद स्विंग प्ले बोलता है इसका, ऐसा हिला के देखना पड़ेगा। अगर ये प्ले ज़्यादा है ये लोअर लिंक आके इसको टच करेगा टायर को, इसकी वजह से क्या होगा टायर ख़राब होने का बहुत चांसेस है, इसलिए हम स्विंग प्ले को हमेशा ध्यान रखना। अगर बिल्कुल नहीं है स्विंग प्ले बिल्कुल नहीं है आपको गहराई बहुत कम मिल जाएगा। इसको कैसे करना है, अगर यहाँ पे स्टे बार दिया इसकी पिन के मदद से, ये वाला पिन का मदद से हम स्टे बार को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका रिकमेंडेड है 2 से 2.5 इंच तक इसका रहना चाहिए स्विंग प्ले। इस उपकरण ज़मीन में सही तरीक़े से काम करना है, सही तरीक़े से सेंसिंग मिलना है, हम इसको हमेशा सीधा रखना चाहिए। अगर ये है बराबर सीधा होना चाहिए, इस तरफ नीचे है इस तरफ ऊपर है ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है यहीं पे दो लेवलिंग रॉड दिया, इसकी मदद से हम ऊपर नीचे करके दोनों साइड बराबर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इस उपकरण को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना पड़ेगा, वो टाइम पे हम ऐसी ट्रैक्टर पूरा अपना ड्राफ्ट और पोजिशन लेवर को उड़ाने के बाद कम ऊंचाई रहेगा इस उपकरण का,
टेन बहुत नीचे की तरफ है, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, मान लो घर से खेत जाना है, खेत से घर आना है, वो टाइम पे हम टॉप लिंक यहाँ निकाल के इस उपकरण को पूरा उठा के यहाँ एक माउंटिंग ब्रैकेट दिया, इससे लगाने से क्या होगा, इसका टाइन ऊपर आएगा, ज़मीन को टच ना करेगा। किसान भाइयों, इस उपकरण की फ़ायदे के बारे में बात कर दिया तो इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। इस उपकरण का फ़ायदा यही है, बहुत साल से ज़मीन पड़ा हुआ, मान लो 5 साल 10 साल का ज़मीन है, वो कंकड़ बन जाएगा, वो बंजर ज़मीन है, उसके अंदर अपना मामूली होता है ये रोटावेटर कल्टीवेटर, उतना अंदर तक गहराई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस उपकरण का यही है 12 से 36 इंच तक वो अंदर जाएगा, इसका गहराई लेगा ये, इसलिए हम बंजर और कठोर ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों ने लगातार खेती में रोटावेटर कल्टीवेटर वो ज़्यादा गहराई नहीं लेता है, कुछ साल के बाद क्या होता है, ज़मीन के अंदर कठोर परत बन जाएगा, इसकी वजह से पानी नहीं पीता है ज़मीन, उस ज़मीन में इस उपकरण को इस्तेमाल करने से पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे फसल की पैदावार भी बढ़ जाते हैं।